हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं। संज्ञा को समझने से पहले मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ बोर्ड पर, जिसको लिखने और के बाद उसको पढ़ने के बाद आपको संज्ञा जो आसानी से और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखें संज्ञा क्या है। संज्ञा अभी हम लिखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 1�     में हुआ था। वे, यही लिख देते अभी आ जाएगा, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सत्य को मानते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अहिंसा लड़ाई झगड़े के वो खिलाफ थे। उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डंडा रहता था उन्होंने भारत की आजादी, यानी भारत को आजाद कराने के लिए, आजीवन संघर्ष किया यानी देश को, हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों से जो है लड़ाई करी, ताकि हमारा देश आजाद हो सके। उनसे संघर्ष किया, उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में डंडा रहता था। उन्होंने भारत की आजादी के लिए आजीवन
आजादी के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जो भी वाक्य जो छोटा सा कुछ वाक्य लिखे महात्मा गांधी के बारे में, इसमें जो है ये जो शब्द है जिनके नीचे लाल रंग की लाइनें खींची, इस पर जिनके नीचे लाल लाइन खींची, महात्मा गांधी, पोरबंदर, सत्य, अहिंसा, पुजारी, बदन, लंगोटी, हाथ, डंडा, भारत, आजादी, संघर्ष, बापू और राष्ट्रपिता, ये सभी जो शब्द है जिनके नीचे लाल रंग की रेखा खींची हुई है, इन सभी शब्दों में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, शहर का या जगह का, एक ही बात है कुछ भी कह लीजिए, देश का और भाव का, ये जो है नाम है, किसी व्यक्ति का, जगह का, शहर का, इसका नाम बता रही, जितने नाम जो दिख रहे हैं आपको, इनसे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी सामान का नाम है, किसी इसमें कोई भाव नजर आ रहा है, ये जो सभी इन चीजों के नाम है। और हिंदी व्याकरण में जो नाम है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जो हिंदी व्याकरण है हमारा उसके मुताबिक किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। वास्तविकता ये कि दुनिया में ऐसा कोई सामान नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। आप कोई भी सामान देखिए, पेन, पेंसिल, कॉपी, खिड़की, किताब, कुछ भी देखिए, हर चीज का, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है, और वो नाम जो है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप अच्छे समझ गए, संज्ञा क्या है, व्यक्ति, जगह, भाव, बदन शरीर का नाम है, लंगोटी सामान का नाम है, संघर्ष भाव है, राष्ट्रपिता नाम है, बापू भी हम जो गांधी जी को कहते थे बापू, ये उनको नाम से बोला जाता था बापू, ये इन सभी के नाम है जो हमें नाम बता रहे हैं, सभी के नाम है, और इस इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम जो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या बनी, ये इससे लिखा मैं ताकि इसको समझने में जो संज्ञा को समझने में देख जो हमें आसानी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे संज्ञा को समझ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। हम संज्ञा जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, से किसी व्यक्ति, प्राणी, या कुछ भी लिख सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या जगह, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अथवा भाव। भाव वो होता है जिसे फील करते हैं ना, जिसे हम दिखान के नाम से फील करते हैं, वो होते हैं भाव, अथवा भाव के नाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, सॉरी, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो या होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो है तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आइए उन्हीं के नाम लिखे। अभी हम यहां पर हम पहला व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा जाति वाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाव
वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाव वाचक संज्ञा। संज्ञा को एक बार फिर से देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है कि संज्ञा और उसके भेद इन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम संज्ञा के पहले भेद यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान और हमेशा खुश रहिए।